माँ भारती का, हिसाली वाली मैया का मैं चरण वंदन करती हूँ। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से आप सभी को जय सियाराम। दुख में भी कैसे हंसते हुए हमारे प्रभु ने जीवन की सारी चुनौतियों का सामना किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण का अरण्य कांड। मैं आपको यही अरण्य कांड यथा रूप सुनाती हूं, आप बस मन लगाकर सुनते जाइए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। 19वां सर्ग। शूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्दशा का वृतांत सुनकर क्रोध में भरे हुए खर का श्री राम आदि के वध के लिए 14 राक्षसों को भेजना। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा, बहन उठो और अपना हाल बताओ, मूर्छा और घबराहट छोड़ो तथा साफ साफ कहो, किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बनाया है? कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काले सांप को अपनी अंगुलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है? जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं, उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल दिया है, फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं रहा है। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो, फिर भी तुम्हें किसने इस दुर्वस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो? देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में यह कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया? संसार में तो मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा अप्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र भी ऐसा साहस कर सके यह मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्राणांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूंगा। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुष के फेन सहित गरम गरम रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है? रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर कर ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाएंगे? जिसे मैं महासमर में खींच लूं, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ, जिस उद्दंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। भाई का, विशेषतः क्रोध में भरे हुए भाई खर का यह वचन सुनकर शूर्पणखा नेत्रों से आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, भैया, वन में दो तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों। वे दोनों ही वलकल वस्त्र और मृग चर्म पहने हुए हैं। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं।
दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। वे दो गंधर्व राजों के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, यह मैं अनुमान से भी नहीं जान सकती। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहां देखी है, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। उस स्त्री के ही कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और उल्टा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री के और उन दोनों राजकुमारों के भी मारे जाने पर उनका फेन सहित रक्त पीना चाहती हूँ। रणभूमि में उस स्त्री का और उन पुरुषों का भी रक्त मैं पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो यमराज के समान भयंकर थे, यह आदेश दिया, वीरों, इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर चीर और काला मृग चर्म धारण किए दो शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारिणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। राक्षसों, मेरी इस बहन का यह प्रिय मनोरथ है। तुम वहां जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देख यह हर्ष से खिल उठेगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उनका रक्तपान करेगी। खर की ऐसी आज्ञा पाकर वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश हो शूर्पणखा के साथ पंचवटी को गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बीसवां सर्ग। श्री राम द्वारा खर के भेजे हुए 14 राक्षसों का वध। तदनंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। राक्षसों ने देखा, महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। देखकर वे उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों को यहां अभी वध कर डालूंगा। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा, हम दोनों भाई महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? देखो,
तुम सब के सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। निशाचरों, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ न रुको। श्री राम की यह बात सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावतः लाल नेत्रों वाले मधुर भाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यूं बोले, अरे तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। हम बहुत से हैं और तू अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके? फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिधों, शूलों और पट्टिशों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देना। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवारें लिए श्री राम पर ही टूट पड़े। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु ककुत्सुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा काट डाला। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए, फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद कर रुधिर में डूबे हुए निकले और बांबी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। उन नाराचों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। वे सब के सब खून से नहा गए थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उन सब को पृथ्वी पर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आर्त भाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया था, इसलिए गोंद युक्त लता के समान प्रतीत होती थी। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करने और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख खर की बहन शूर्पणखा पुनः वहां से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 20 सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। इक्कीसवां सर्ग। शूर्पणखा का खर के पास आकर उन राक्षसों के वध का समाचार बताना और राम का भय दिखाकर उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करना। शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख अनर्थ के लिए आई हुई उस बहन से
घर ने क्रोध पूर्वक स्पष्ट वाणी में फिर कहा, बहन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से शूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी, अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन ना हो यह भी संभव नहीं है। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हा नाथ की पुकार मचाती हुई सांप की तरह धरती पर लौट रही हो? मैं उसे सुनना चाहता हूं। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों करती हो? उठो उठो, इस तरह लौटो मत, घबराहट छोड़ दो। घर के इस प्रकार सांत्वना देने पर वह दुर्धर्ष राक्षसी अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर भाई खर से बोली, भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूं यह बताती हूं। सुनो, मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। उस अवस्था में जब पहली बार मैं आई थी तब तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो वे 14 शूरवीर राक्षस भेजे थे वे सब के सब अमर्ष में भरकर हाथों में शूल और पट्टश लिए वहां जा पहुंचे, परंतु राम ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा उन सब को सम्रांगण में मार गिराया। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। निशाचराज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब और भय ही भय दिखाई देता है, इसीलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंग मालाएं उठती रहती हैं। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो? जो मांस भक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सब के सब राम के पैने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। राक्षस राज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो तथा यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक हैं। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज लुट चुकी है। मैं बुद्धि से बारंबार सोचकर देखती हूँ कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। तुम अपने को शूर वीर मानते हो किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। मूढ़, तुम सम्रांगण में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही इस जनस्थान से भाग जाओ। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है? तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है जिसने मुझे नाक कान से हीन करके अत्यंत कुरूप बना दिया। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के समान गहरे पेट वाली वह राक्षसी शोक से आतुर हो अपने भाई के पास मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी हो दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।
लूकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।